क्या नाम है? मेरा नाम फरजाना है। फरजाना जी, आप मुझे बताइए क्या लग रहा है 2024 में कौन सी सरकार आने वाली है? जी मोदी जी की आएगी। मोदी जी क्यों लाना चाहती हैं आप? क्यों लगता है आपको कि मोदी जी? अच्छा लगता है, सबके साथ अच्छा करते हैं, हम लोगों के साथ भी अच्छा करते हैं, हिंदुओं के साथ भी अच्छा करते हैं, वो सबको एक ही नज़र से देखते हैं। गांधी कहते हैं नफरत फैला रहे हैं मोदी जी, कोई काम नहीं कर रहे। जी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लगता है मोदी जी नफरत फैला रहे हैं? जी नहीं। वो कह रहे हैं महंगाई बढ़ा रही है लगातार। जी नहीं, महंगाई तो हो ही रही है शुरू से अब तक और ऐसे ही रहेगी शायद। बस क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रोशन जहां है और मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़ी हूं और मुझे मोदी जी का काम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उन्होंने 3 तलाक पर काम करा है। महिला का घर टूट जाता था, आदमी फ़ोन पे ही तलाक दे देता था, लेकिन अब वो नहीं दे सकता, अब आदमी डर गए हैं। मोहन भागवत जी हैं, इनसे भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनसे भी हम बहुत अच्छा मतलब खुश हैं और अगले हम चाहते हैं कि 2024 में मोदी जी आएँ चुनाव में। मोदी जी तो सबका साथ सबके विकास पर काम करते हैं। मोदी जी सिर्फ मुसलमानों से नफरत करते हैं, देश में नफरत फैला रहे हैं। ये राहुल गांधी का काम है, ये राहुल गांधी मुसलमानों को भड़का रहे हैं और देश में नफरत राहुल गांधी फैला रहे हैं। ये सब झूठ है, मुसलमानों को खिलाफ होता तो आज हम मुसलमान महिलाओं के साथ क्यों जुड़ते? आप यही देख लो कि हम जुड़ गए। 3 तलाक के कितने फायदे हुए हैं मुस्लिम महिलाओं? 3 तलाक के बहुत फायदे हुए मैम, के जैसे हम जिंदगी भर आदमी के साथ रहे और वो 1 मिनट में हमें छोड़ देता था और हमारा कोई सुनने वाला भी नहीं था। आज हमें ये लगता है कि तू छोड़ के दिखा, मोदी जी हमारे साथ हैं, हम तुझे जेल कराएंगे। उनको क्या पता कि लोकतंत्र नहीं है? अब देखेंगे ना वो 2024 के चुनाव में कि लोकतंत्र है कि नहीं है। अब दे देगी जनता जवाब उनको। काम नहीं कर रहे हैं तो इतने शौचालय बन गए गाँवों में, इतने गरीबों के घर बन गए, ये काम नहीं दिख रहा राहुल गांधी को? राहुल गांधी सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं और नफरत फैलाते हैं खासकर मुसलमानों के दिल में, लेकिन मुसलमान जनता अब जान चुकी है। महंगाई पे क्यों नहीं कर रहे? तो पहले भी किसने क्या कर लिया था महंगाई पे? राहुल गांधी तब महंगाई नहीं थी क्या? आप बताओ जब कौन सी सस्ताइयाँ थी? बस ये है कि जनता बेवकूफ़ थी उस टाइम, उस टाइम जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। आज की जनता पढ़ी लिखी है, आज की आज मुस्लिम लोग भी बहुत पढ़े लिखे हो चुके हैं, इसलिए देश कोई नहीं बेच दिया। देश कहाँ बिक गया? हम रहते रहे देश के अंदर, देश बिक गया तो हमें निकाल नहीं देता कोई आके, हम तो रह रहे हैं, हमें तो लग नहीं रहा देश बिक गया। अब वो राहुल गांधी से पूछो आप, उनको कहाँ से लग रहा है बिक गया देश? नहीं हारेंगे, अब लग रहा है ऐसा कि वो जीतेंगे। हाँ क्यों लग रहा है कि मोदी जी? क्योंकि सब मुसलमान भाई एक हो रहे हैं, उनकी तरफ खींच रहे हैं सब, तो कैसे ना जीतेंगे वो? नहीं सब बोलते हैं, सबको आके कौन ना बोल रहा है, सब बोल रहे हैं, और सब काम हो रहे हैं सबके। नफरत फैला रहे मोदी जी? नहीं कोई नफरत नहीं फैला रहे। 2024 की तैयारियों को लेकर आज विपक्ष की तरफ से लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है कि सिर्फ मोदी जी जो है वो मुसलमानों की बात करते हैं पर उनके लिए काम नहीं करते, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेश में भी ये कहने से नहीं चूकते हैं कि मोदी जी देश में नफरत फैला रहे हैं। तमाम आप मेरे पीछे देख रहे होंगे मुस्लिम महिलाएँ हैं, इनसे बात करते हैं कि इन 8-9 सालों में मोदी सरकार के द्वारा कैसा काम किया गया है और 2024 के चुनावों को लेकर इन महिलाओं का क्या कहना है। क्या नाम है? मेरा नाम फरजाना है। फरजाना जी आप मुझे बताइए क्या लग रहा है 2024 में कौन सी सरकार आने वाली? जी मोदी जी की आएगी। मोदी जी क्यों लाना चाहती हैं आप? क्यों लगता है आपको कि मोदी जी? अच्छा लगता है, सबके साथ अच्छा करते हैं, हम लोगों के साथ भी अच्छा करते हैं, हिंदुओं के साथ भी अच्छा करते हैं, वो सबको एक ही नज़र से देखते हैं। गांधी कहते हैं नफरत फैला रहे हैं मोदी जी, कोई काम नहीं कर रहे। जी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लगता है मोदी जी नफरत फैला रहे हैं? जी नहीं। वो कह रहे हैं महंगाई बढ़ा रही है लगातार। जी नहीं, महंगाई तो हो ही रही है शुरू से अब तक और ऐसे ही रहेगी शायद। बस क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? यास्मीन। यास्मीन जी आप मुझे बताइए क्या लग रहा है 2024 में कौन आना चाहिए? मोदी जी आना चाहिए। मोदी जी क्यों आना चाहिए? यास्मीन जी आने चाहिए, सही है वो। कह रहे हैं नफरत फैला रहे मोदी जी? नहीं नफरत नहीं फैला रहे, क्यों लगता है आपको कि मोदी जी आने चाहिए? वो क्या काम अच्छा? अच्छा काम कर रहे हैं वो, सही काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं मोदी जी? हाँ कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए भी तो कर रहे हैं काम। इनके वहाँ पे घर घर बनवाए उन्होंने, सबके घर बनवाए, उधर हमारी तरफ भी पैसे दिए हैं 2.5-2.5 लाख। मोदी जी अकेले कहते हैं कि कोई काम नहीं करवा रहे, मोदी जी के काम सिर्फ कागजों में करवा रहे हैं वो, बहुत काम कर रहे हैं। रहने वाली यास्मीन जी? सुंदर नगरी। सुंदर नगर दिल्ली के? हाँ। बार बार पे कहा तो दिल्ली सरकार के बारे में क्या कहेंगे, सही काम कर रही है? हाँ सही काम कर रही है। केजरीवाल के? केजरीवाल राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? वो भी नहीं, बस मोदी जी सही है हमारे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रोशन जहां है और मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़ी हूं और मुझे मोदी जी का काम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उन्होंने 3 तलाक पर काम करा है। महिला का घर टूट जाता था, आदमी फ़ोन पे ही तलाक दे देता था, लेकिन अब वो नहीं दे सकता, अब आदमी डर गए हैं। मोहन भागवत जी हैं, इनसे भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनसे भी हम बहुत अच्छा मतलब खुश हैं और अगले हम चाहते हैं कि 2024 में मोदी जी आएँ चुनाव में। ये मैम हमेशा राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी नफरत फैला रहे हैं, महिला मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं कर रहे। नहीं मुसलमानों के लिए वो बहुत काम कर रहे हैं। मेन बात तो यही है कि घर बनाए उन्होंने तो कोई भेदभाव नहीं करा, कितने
लोग गरीब हैं। मेरी एक बहन थी, कभी जिंदगी में घर नहीं बना सकती थी, लेकिन उन्होंने मोदी जी ने उसका बनाया, तो वो कहाँ भेदभाव कर रहे हैं, वो तो मुस्लिम हैं, उनका घर बनाया है उन्होंने। मोदी जी तो सबका साथ सबके विकास पर काम करते हैं। मोदी जी सिर्फ मुसलमानों से नफरत करते हैं, देश में नफरत फैला रहे हैं। ये राहुल गांधी का काम है, ये राहुल गांधी मुसलमानों को भड़का रहे हैं और देश में नफरत राहुल गांधी फैला रहे हैं। जी असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को मुसलमानों का नेता कहते हैं, वो भी कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जी नहीं, वो भी वोट काटने के चक्कर में है, ये सब ये भी विपक्ष है ना, ये सब वोट काटने के चक्कर में कि मुस्लिम का वोट उनको मिल जाए। लेकिन हम मुसलमान जनता पढ़ी लिखी हो गई है, किसी के भड़काए में आने वाली नहीं है, ना राहुल गांधी के ना ओवैसी के, किसी के भड़काव में हम आने वाले नहीं है। मुसलमानों को टारगेट करते हैं मोदी जी जब भी कोई कानून लेकर आते हैं? नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता, उनको लगता होगा, अगर हमें लगता तो हम उनसे क्यों जुड़ते। हम तो उनके कार्य से खुश हैं और हम तो यही चाहते हैं कि 2024 में मोदी जी चुनाव जीते और अच्छे से जीतेंगे भी। जी लगातार ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी ट्रिपल तलाक जो लेकर आए थे वो मुसलमानों को नहीं पसंद आया था, उनके खिलाफ था ये कानून। ये सब झूठ है, मुसलमानों को खिलाफ होता तो आज हम मुसलमान महिलाओं के साथ क्यों जुड़ते। आप यही देख लो कि हम जुड़ गए। तीन तलाक के कितने फायदे हुए हैं मुस्लिम महिलाओं? तीन तलाक के बहुत फायदे हुए मैम, के जैसे हम जिंदगी भर आदमी के साथ रहे और वो एक मिनट में हमें छोड़ देता था और हमारा कोई सुनने वाला भी नहीं था। आज हमें ये लगता है कि तू छोड़ के दिखा, मोदी जी हमारे साथ हैं, हम तुझे जेल कराएंगे। हमें बहुत अच्छा काम लगता है मोदी जी का। आज हम घर से बेघर नहीं हो सकते, मोदी जी की वजह से हम घर में रह सकते हैं। हम उस आदमी से डरते नहीं है जिससे हम पहले बहुत डरते थे कि तीन तलाक देगा और हमें निकाल देगा। तो मैडम हमें तो बहुत अच्छा लगता है मोदी जी का। अभी जनसंख्या को लेकर कानून की बात आती है, मुसलमानों को टारगेट करते हैं क्योंकि मुसलमानों की आबादी को कम करना चाहते हैं। जी वो मुसलमानों की आबादी नहीं करना चाहते, ये जो विपक्ष बोलता है गलत बोलता है, क्योंकि मुसलमान के अंदर ज़्यादा आबादी रहेगी ये सोचते हैं और मुसलमान कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जिए। अगर मोदी जी कहते हैं कम आबादी है तो हमें तो फैसिलिटी मिलेगी ज़्यादा, हमारे ज़्यादा बच्चों को तो हम कैसे पढ़ाएंगे, कहाँ से खिलाएंगे, हमारे कम बच्चों को तो हम अच्छे से उनको फैसिलिटी देंगे। विदेश में कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, उनको क्या पता कि लोकतंत्र नहीं है। अब देखेंगे ना वो 2024 के चुनाव में कि लोकतंत्र है कि नहीं है, अब दे देगी जनता जवाब उनको। जी बार बार पे कहते हैं कि कोई काम नहीं हुआ, मोदी जी सिर्फ अमीर लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। नहीं ये सब झूठ है, काम नहीं कर रहे हैं तो इतने शौचालय बन गए गाँवों में, इतने गरीबों के घर बन गए, ये काम नहीं दिख रहा राहुल गांधी को। राहुल गांधी सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं और नफरत फैलाते हैं खासकर मुसलमानों के दिल में, लेकिन मुसलमान जनता अब जान चुकी है। अभी से अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो हमेशा मुसलमानों के नाम पर तुष्टिकरण की राजनीति हर पार्टी ने की और मुसलमानों ने ज़्यादातर वोट भी उन पार्टियों को दिया, तो आज क्या कारण है कि आज ज़्यादातर मुसलमान या मुसलमान जो महिला है वो मोदी सरकार की तरफ आकर्षित हो रही है? जी बस उनका मोदी जी का काम है सबका साथ सबका विकास है, वो कहते ना सबका साथ सबका विकास, यही है मेन मुद्दा और इसी को आज जनता समझ रही है। कौन कौन से काम अच्छे लगे? हमें तो सारे काम अच्छे लगते हैं उनके। महंगाई बढ़ा रहे मोदी जी, कुछ नहीं कर रहे? महंगाई पे क्यों नहीं कर रहे, तो पहले भी किसी ने क्या कर लिया था महंगाई पे? राहुल गांधी था तब महंगाई नहीं थी क्या? आप बताओ जब कौन सी सस्ताइयाँ थी? बस ये है कि जनता बेवकूफ़ थी उस टाइम जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा था। आज की जनता पढ़ी लिखी है, आज की आज मुस्लिम लोग भी बहुत पढ़े लिखे हो चुके हैं, इसलिए बेच दे देश को ही नहीं बेच दिया। देश कहाँ बिक गया, हम रहते रहे देश के अंदर, देश बिक गया तो हमें निकाल नहीं देता कोई आके, हम तो रह रहे हैं, हमें तो लग रहा देश बिक गया। अब वो राहुल गांधी से पूछो आप उनको कहाँ से लग रहा है बिक गया देश, वो तो वो जवाब दे सकते हैं, हमें तो पता नहीं। नफरत फैला रहे हैं योगी मोदी न, तो आपको मैंने बताया था मैडम नफरत फैलाते तो हम मुस्लिम लोग मोदी जी की तरफ क्यों खड़े होते हैं? अगर वो नफरत फैलाते तो हिंदुओं के लिए करते हैं, मुसलमानों के लिए नहीं करते? क्यों नहीं करते, करते हैं तभी तो हम यहाँ है ना, ये जवाब है तो हाँ, घर बनेंगे सबके लिए, शौचालय सबके लिए, सबके ही नहीं कर रहे हैं मुसलमान भाइयों को, सबको एकता होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम सभी एक होकर रहो ये है। और भैया झगड़ा करोगे आपस में तो उसमें अच्छा नहीं है, एक ऐसे ही रहेंगे जब ही अच्छा लगेगा सबको, और सबके काम ठीक है, उनके सब कर रहे हैं काम, ऐसी कोई बात नहीं है भैया, सब खुश हैं उनसे, ऐसे कोई ऐतराज किसी को नहीं है। अगर ऐतराज होता तो ये सब एक क्यों हो जाते, इतने भाई यहाँ क्यों आते, उनके ही नहीं है तो आए हैं सब, कि सब एक होकर रहो, मुसलमान भाई और हिंदू भी सब एक होकर रहो और त्यौहार भी एक होकर मनाओ, हमारा भी और उनका भी, सब एक ऐसे रहो। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कोई काम नहीं कर रहे मुसलमानों के लिए योगी नहीं कर, सबके लिए करते हैं, वो हिंदुओं को मुसलमानों को भी एक सार होता है काम, कोई चुन के नहीं करते, वो किसी के नहीं है, हमारे लिए भी करते हैं उनके लिए भी करते हैं, सबके लिए होता है वो तो काम। क्या कहेंगे लोगों के लिए जो अपने आप को मुसलमानों का नेता बताते हैं असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो नफरत की राजनीति फैलाते हैं, वो तो नफरत की बात होती है कि किसी ने मोबाइल पर डाल दिए मैसेज, किसी ने कुछ कर दिया, ऐसी कुछ बातें हैं, लेकिन जो सही लोग हैं वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे और बेकाये में भी नहीं आएंगे, वो तो जो कर रहे हैं वो तो करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन है। अच्छा गुलशन जी बताइए फिर क्या लग रहा है 2024 के चुनावों में, सारी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं एकजुट हो जाएंगे मोदी जी को हराएंगे? नहीं हराएंगे, अब लग रहा है ऐसा कि वो जीतेंगे। अच्छा हाँ,
क्यों लग रहा है कि मोदी जी क्योंकि सब मुसलमान भाई एक हो रहे हैं उनकी तरफ खींच रहे हैं अब सब तो कैसे न जीतेंगे वो और काम भी आगे को अच्छा ही करेंगे अब भी अच्छा काम नहीं कर रहे महंगाई बढ़ा रहे हैं बस नहीं नहीं महंगाई ऐसी कोई ना महंगाई तो पहले से भी होती आ रही है और अब भी हो रही है और भैया जब वो उनके हाथ में कुछ होगी तो वो आगे को करेंगे हमारे नहीं अभी तुम्हारे नहीं भाई सबके नहीं करेंगे और करते हैं वो खाते में भी पैसे आते हैं खाते में भी आते हैं पेंशन भी आ रही है बड़े बूढ़ों की कुछ बदला नहीं ना कुछ बंद हुआ सब कुछ आ रहा है और सब ठीक हो रहा है सब ठीक हो रहा है। अच्छा गुलशन जी बताइए राहुल गांधी कहते हैं देश में किसी को बोलने नहीं देते हैं मोदी जी नहीं सब बोलते हैं सबको हक है कौन ना बोल रहा है सब बोल रहे हैं और सब काम हो रहे हैं सबके नफरत फैला रहे मोदी जी नहीं कोई नफरत नहीं फैला रही ऐसी कोई बात नहीं है हम भी यहीं रह रहे हैं देख भी रहे हैं हमारी इतनी उम्र हो गई अब कब से वो बैठे हुए हैं कोई ऐसी परेशानी नहीं है इस बार तो मोदी जी जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं आएंगे जीतेंगे सब हाँ बिल्कुल जीतेंगे आप जीतेंगे आप बताइए क्या नाम है आपका मेरा नाम शबनम है शबनम जी आप बताइए अच्छा आप बताइए शबनम जी लोग कहते हैं मोदी जी नफरत फैला रहे हैं महिलाओं के लिए काम नहीं किया जा रहा तो इस पर क्या कहेंगे मैं इस पर यही कहूँगी कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं अगर हम सब यहाँ मिलकर जुलकर आए हैं तो उनकी वजह से ही आए ना वो अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए ही आए हमें ऐसा कुछ नहीं लगता कि वो हमारे लिए कुछ गलत करेंगे गांधी और असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं नफरत फैला रही है बीजेपी और मोदी जी ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ नहीं है अगर ऐसा होता तो हम यहाँ नहीं होते अच्छा ये बताइए ट्रिपल तलाक तीन तलाक के बाद कितना जो बदलाव है वो मुस्लिम महिलाओं के जिंदगी में आया है बहुत आ गया बहुत कुछ बहुत अच्छा हुआ है अगर तीन तलाक का ऐसा मसला होता तो एक बार ऐसा हो जाता है जैसे कि हमारे यहाँ होता है तलाक का मसला एक बार बोल दिया ना तलाक हो गई अब ऐसा कुछ नहीं है अब ऐसा मसला है कि मैं आप आगे को कैसे बताऊँ ऐसा कुछ नहीं बोल पाऊँगी खुश हूँ मैं बहुत खुश हूँ आप बताइए क्या नाम है आपका मेरा नाम नफीस आलम जैदी है नफीस जी आप बताइए क्या कारण है कि आज मुसलमान जो हैं वो मोदी जी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जिला नवीन शाहदरा से संयोजक हूँ इंद्रेश जी के मंच के द्वारा से और ये जो सब हैं साथ महिलाएं हैं ये महिलाएं हमारी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की मंडल की उपाध्यक्ष हैं मंत्री हैं रही मोदी जी की बात जो मोदी जी ने काम किया है वो काम किसी सरकार ने किया 70 साल में नहीं कर पाई क्योंकि मोदी जी ने जैसे अभी मेरी बहन ने बतलाया ट्रिपल तलाक का मसला था ट्रिपल तलाक का मसला ख़त्म किया और तुम्हारा धारा 370 जो मोदी जी ने काफ़ी टाइम पहले गुजरात के अंदर भी वो धरने पे बैठे थे इसको लेके वो मोदी जी ने हटाया क्योंकि और जो पार्टियां थी उन्होंने मुद्दा बना रखा था 370 का तीन तलाक का ये सिर्फ मोदी जी ने ख़त्म किया मैं यूपी से आता हूँ मेरे यहाँ 1.5 किलोमीटर दूर ऑन रोड जब हम उतर के जाते थे 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता था तो शाम के टाइम जैसे दिन छिपा तो हमें डर लगता था गाँव में जाने के लिए आज हम रात में किसी भी टाइम वहाँ उतरते हैं वहाँ उतरने के बाद में 1.5 किलोमीटर अपने घर पैदल चले जाते हैं वहाँ ना तो कोई हमें रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है इस वजह से हमें योगी जी का काम बहुत अच्छा लगा और मोदी जी का काम जो है उसका तो हम जितनी तारीफ करें उतना कम है आपके पास पसौंडा है योगी जी की बात कर रहा मैम पसौंडा है गाज़ियाबाद में मैं वहाँ पर गया तो मैंने वहाँ देखा कि फला मुस्लिम का मकान मैंने 18 मकान गिने 18 में 2 मकान हिंदू भाइयों के थे और 16 मकान मुस्लिम भाइयों के थे तो मुझे बड़ी खुशी हुई जिस टाइम हमने मुस्लिम राष्ट्र मंच की बैठक करी बैठक के अंदर कम से कम 100-150 आदमी थे तो हमने इस बात को उसमें रखा उसमें रखने के बाद में मेरी साथ माज ये जो आपके साथ दिखाई दे रही हैं महिलाएँ ये महिलाएँ शक्ति हैं हमारे देश की मातृशक्ति हैं ये जिसकी साथ में महिलाएँ हो जाती हैं ये समझ लो उसका बेड़ा पार हो जाता है और रही 2024 की बात 2024 में इंशाल्लाह फिर से मोदी सरकार बनेगी और हम पूरा प्रयास करेंगे रात दिन मेहनत करेंगे जितना हमसे काम होगा उतनी हम मेहनत करेंगे।